नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडा कर दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अभी से विरोधी नरेंद्र मोदी ये ओबीसी कैबिनेट क्या हो? दरअसल इस देश की मनु मीडिया ओबीसी कैबिनेट का नाम लेकर के इस देश के ओबीसी को गुमराह करना चाहती है। और हम चाहते हैं कि वो लोग जो ओबीसी समाज का नेता बनते हैं वो भले चुप रहें, लेकिन आप ओबीसी समाज के नेता नहीं हो, आप शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं हो, आप शेड्यूल ट्राइब के नेता नहीं हो, आप माइनॉरिटी के नेता नहीं हो, आप बहुजन समाज के नेता हो, आप भारत के नेता हो। इसलिए भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी का पूरा नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, हम भारत को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम भारत में 6,743 जातियों में बांटे गए बहुजन समाज को जोड़ करके बहुजन समाज बनाना चाहते हैं, और इसीलिए भीम आर्मी के लोग सड़क पर हैं। और आज हम ओबीसी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ओबीसी यह न समझे कि हम शेड्यूल कास्ट के नेता हैं। हम लोग माननीय चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय क्या नाम है विनरतन साहब के आह्वान पर यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा आह्वान है कि ओबीसी समाज के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। सरकार को ओबीसी रिजर्वेशन देना होगा, ओबीसी समाज को कमजोर न समझे। इस देश में ओबीसी की संख्या 70 करोड़ से अधिक है, 60% से अधिक आबादी है ओबीसी की, तो ओबीसी को कमजोर समझने का काम मत करें। ओबीसी जिस दिन सड़क पर उतरेगा उस दिन अपनी सरकार बनेगी। बाबू जगदेव कुशवाहा कहते हैं कि हमारी संख्या कितनी है, 100 में 90 है हमारी संख्या, फिर भी हमारे को छीना गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग सड़क पर उतरे, दिल्ली से आंदोलन की शुरुआत हुई है, गांव गांव में जाएंगे, पैन इंडिया प्रोटेस्ट करेंगे और गली गली मोहल्ले पर जा करके ओबीसी सरकार के साथ जो चुनौती के उसके जागरूक करेंगे। और उत्तर प्रदेश 2022 को चुनाव आरक्षण प्रमुख मुद्दा रहेगा आजाद समाज पार्टी का, बहुजन समाज के साथ जो चुनौती की गई वो प्रमुख मुद्दा रहेगा। यही बात कहने के साथ मैं अपनी बात